तो फ्रेंड्स ये देखिए सांप, पानी का सांप या जो भी है, ये देखिए आराम से जो है आराम फरमा रहे, दो दो सांप है, ये एक हो गया, फिर ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कम टू वन मोर प्लेस इन मैसूर. बेसिकली दिस इज अ प्लेस कॉल्ड एलमुरी एंड देर आर टू प्लेस वाटरफॉल प्लेस, वन इज एलमुरी एंड वन इज बलमुरी. सो टुडे आई हैव कम टू एलमुरी एंड आफ्टर दिस आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स बलमुरी फॉल्स. तो दोस्तों, आपने पिछला वाला मेरा वीडियो देखा होगा जो मैसूर जू का था. तो बेसिकली इतना मैं थक चुका था कि मैसूर जू करने के बाद दो ढाई घंटे वॉक करके अप्रॉक्सीमेट जो मैसूर जू का जो ये है ना, 8 से 10 किलोमीटर का ये रेडियस पड़ता है कंप्लीट घूमने में. तो इतना करने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने के लिए या कुछ भी वीलॉग करने के लिए. तो इसीलिए मैंने वीडियो को वहीं पर ख़त्म कर चुका हूँ. तो आज दूसरा दिन है और मैं आया हूँ आज बलमुरी और एलमुरी फॉल्स देखने. वैसे आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एलमुरी फॉल्स है और ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, बहुत कम लोग जो है यहाँ पे आते हैं एलमुरी फॉल्स पे. और जो इसका दूसरा वाला ये है बलमुरी फॉल्स, वो आगे चल के आएगा. ठीक है, तो यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको. देखिए एलमुरी फॉल्स का, कुछ लोग मेरे पीछे आपको ऑलरेडी नज़र आते होंगे पानी में एंजॉय करते हुए. और पानी भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे है अभी फ़िलहाल, और रेन जो बारिश बरसात हुई है उसकी वजह से जो पानी मतलब ज़बरदस्त है यहाँ पे. तो चलते हैं आगे और पानी में भी एंजॉय करते हैं. एक मिनट में आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए. ठीक है, चलिए. तो दोस्तों ये देखिए एलमुरी फॉल्स का नज़ारा है ना खूबसूरत. ये देखिए किस तरह से पानी बहते हुए आगे की तरफ, यही पानी जो है आगे बलमुरी फॉल्स बन जाता है. तो बलमुरी से पहले जो है ये एलमुरी आता है और बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा. ये देखिए है ना खूबसूरत. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए एक पानी में डुबकी लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, चलिए. तो दोस्तों वाटरफॉल का मज़ा लेते हुए थोड़ा रिफ्रेश फील कर रहा हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एलमुरी का नज़ारा. आप देख सकते हैं वाटरफॉल और यहाँ से जो रास्ता बना है, यहाँ से शॉर्टकट है ऊपर की तरफ, आप जाके जो है थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बलमुरी की तरफ और बलमुरी में क्या है वो आपको मैं बताता हूँ. ठीक है, चलिए. तो दोस्तों ये देखिए बलमुरी का नज़ारा, ये यहाँ पे किस तरह से है बलमुरी का नज़ारा, ये देखिए. और एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको बोटिंग करने का मौका मिलता है यहाँ पे बलमुरी में. ये आप देख रहे हैं ना, ये जो बोट है इसमें आपको लेके जाएंगे और थोड़ी दूर तक लेके आके जो है वापस ला के छोड़ देंगे. तो ये है बलमुरी का नज़ारा, ये देखिए.
तो फ्रेंड्स ये देखिए सांप, पानी का सांप या जो भी है, ये देखिए आराम से जो है आराम फरमा रहे, दो दो सांप है, ये एक हो गया, फिर ये दो हो। आई डोंट नो वाटर स्नेक जो बोलते हैं वो नॉन वेनेमस पॉइजनस नहीं है करके बोलते हैं, आई डोंट नो, ना मुझे नॉलेज नहीं है। आप देखिए अगर आपके आपको मालूम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं अभी आया हूँ प्लैनेट एक्वेरियम, ये बलमुरी और यलमुरी फॉल्स से बिल्कुल करीब में, अप्रॉक्सीमेट 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है प्लैनेट एक्वेरियम करके। और बेसिकली यहाँ पे एंट्री फ़ी अडल्ट के लिए 100 रुपये रखी गई है और बच्चों के लिए 50 रुपये एंट्री फ़ी है। तो मुझे नहीं मालूम अंदर क्या है, तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अंदर प्लैनेट एक्वेरियम, ठीक है चलिए। तो दोस्तों ये देखिए इसका एंट्रेंस इस तरह से है, ये वाटरफॉल इन्होंने बनाया यहाँ पे, और ये देखिए वाटरफॉल, यहाँ पे वॉल पेंटिंग भी इन्होंने की है, प्लैनेट अर्थ एक्वेरियम मैसूर करके लिखा है, ये देख सकते हैं आप एंट्रेंस में किस तरह से ये बनाया गया है। वाओ, आम का पेड़ और आम भी लगे हैं। और ये शार्क के मुंह में से निकलते हुए एंट्रेंस बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, एक फोटो तो बनती है। वाओ, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइप की मच्छियाँ रखी हैं, ये देखिए।
तो दोस्तों, जैसे ही आप एक्वेरियम से बाहर आते हैं, ये इन्होंने मिनी जू बना के रखा है और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स वगैरह इन्होंने रखे हैं, बर्ड्स रखे हैं और थोड़े बहुत सांप वगैरह भी रखे हैं, लिजर्ड्स वगैरह रखे हैं, इग्वाना रखे हैं और हॉर्सेस रखे हैं, ईमू रखा है, रैबिट्स रखे हैं और गोट्स वगैरह रखे हैं, शीप। तो एक ओवरऑल एक छोटा सा ये मतलब डॉगीज भी रखे हैं, डिफरेंट वराइटीज ऑफ डॉगीज भी रखे हैं। ये भोक भोक क्यों रहा है भाई, चुप हो जा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे दूसरे भी जानवर इन्होंने रखे हैं और एक अच्छा सा इन्होंने एक प्ले एरिया भी बनाया है बच्चों के लिए और बच्चे भी आकर यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ही अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फॉर श्योर ए कम्प्लीट एंटरटेनमेंट रहेगा बच्चों के लिए। खेलने के लिए जगह है, फूड कैफेटेरिया है, एक कम्प्लीट डिफरेंट ये मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे आने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आया होगा। तो बेसिकली दोस्तों, वहाँ से निकल के, प्लैनेट अर्थ एक्वेरियम से निकल के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ मेलडी वैक्स म्यूज़ियम, तो जो चामुंडी के हिल के रास्ते में पड़ता है। और बेसिकली देखा जाए तो ठीक ठाक जगह है और अंदर जाने के बाद ही जो है पता चलेगा यहाँ पे क्या है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इन्होंने दुनिया भर से जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे कलेक्ट करके इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें देखने के लिए, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, एंट्री फी इसकी 60 रुपये है पर हेड, इरेस्पेक्ट ऑफ एज, मतलब बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए 60 रुपये इन्होंने टिकट रखी है, ठीक है। और जैसे आप अंदर आते हैं आपको बहुत सारे जो है इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न और जितने भी वर्ल्ड ओवर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे कलेक्ट करके यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ ये इंडिया का एक ही तरह का ये म्यूजियम है जहाँ पे आपको सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। मतलब इन्होंने काम अच्छा किया है कि अगर जो भी लोग म्यूजिकल या इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये बहुत बेहतरीन क्या बोलते हैं म्यूजियम में देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बस ये म्यूजियम देख के ना फटाक से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और जो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो ये होगा माइलारी डोसा खाने का प्लान है, तो वहाँ पे चलते हैं डोसा खाने के लिए और मैं वहाँ पे आपको मिलता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बस देख लीजिए फोटोज़ और ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है वैक्स म्यूज़ियम का, इसको देख के ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आप जब भी मैसूर आ रहे हैं माइलारी डोसा मसाल डोसा खाना मत भूलिएगा। ये नजराबाद में है, किसी को भी आप पूछ के आ सकते हैं और यहाँ पे मसाल डोसा डेफिनेटली आप खाइएगा ज़रूर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओरिजिनल माइलारी डोसा I'm